हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट ग्रेस। आज हम एक बहुत बड़ी और नोन कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या है ये मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज? ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो 5 दिसंबर 2007 में लॉन्च हुई थी एक मिशन के साथ, जो है मॉरल जगाना है, भारत बनाना है। इसी मिशन के साथ इस ऑर्गेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। 2007 से 2023 तक की जो हिस्ट्री है इस ऑर्गेनाइजेशन की, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं। ये कंपनी कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे आगे बढ़ी, कैसे इतनी बड़ी हुई, सब कुछ जो हुआ हम समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये सीखने के लिए कम से कम 365 डेज लगते हैं, लेकिन क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, दुनिया के सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बीइंग्स हैं, तो हम इसे 10 दिन में भी सीख सकते हैं। तो अब अगर हम बात करें तो FICCI, ASU CHAM, CREDAI, PhD चंबा, IFOM, CII, FITSE जैसे नेशनल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स भी आपको मिले हैं। अगर हम कॉमर्स के चैनल की बात करें तो सबसे पुराना कॉमर्स का चैनल है PhD चंबा। इसके बाद हम बात करें तो 2013 में भारतीय उद्योग रत्न से सम्मानित किया गया है। तो 2007 से 2013 में 7 सालों में ही भारतीय उद्योग रत्न से ऑनर किया गया। ये अवार्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूट जैसे कुछ मेजर्स के अकॉर्डिंग ही आपको ऑनर किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो आपको 2017 में इंडियाज बेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी का भी अवार्ड मिला है। इसके बाद 2021 में भी आपको नेल्सन मंडेला अवार्ड मिला है। तो ये ऑनर पूरे मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज की फैमिली का है। उसके बाद अगर बात करें तो ये कंपनी वर्ल्ड के 32 स्टेट्स में भी जानी जाती है, जैसे कि अमेरिका, सिंगापुर, एस्टोनिया एक्सेट्रा। आगे बात करें तो एक ब्रांच से निकलकर आज मॉरल ग्रुप की 125 ब्रांचेस और बन गई हैं। जब आप इसके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तो आप अकेले नहीं होते। यहाँ आपके पास 125 तक रीजनल ऑफिसर्स हैं, 500 से ज़्यादा फ्रेंचाइजी है, 4000 से ज़्यादा प्रोडक्ट सेंटर्स हैं और 2000 से ज़्यादा फार्मा सेंटर्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1500 प्लस एम्प्लॉयज़ हैं, जो कि आपके लिए 24/7 अवेलेबल हैं, और 26 लाख लोग मिलकर मॉरल फैमिली बनाते हैं। और ये मॉरल फैमिली की वजह से ही आज 42 कंपनीज के ओनर हैं और 21 सेगमेंट्स में काम कर रहे हैं। और ये जितने भी बिजनेसेस हैं, इन पे यू कैन वर्क विद एवरी बिजनेस यूजिंग अ सिंगल आईडी। अब जानते हैं कि ये 21 सेगमेंट्स कौन से हैं, डिविजन्स कौन से हैं, इसकी प्रोफाइल क्या है। जो इसका मिशन है, मॉरल जगाना है, भारत बनाना है, इसका मतलब ये है कि एथिक्स को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए एक हैप्पी और प्रॉस्परस भारत बनाना। ऐसा भारत जहाँ पे सबके पास जॉब्स हो, कोई जॉबलेस ना रहे। इसका मतलब है कि इंडिया में हर इंसान को जॉब देना, उनको इंडिपेंडेंट बनाना। इसके साथ ही मॉरल ग्रुप के कुछ विजन्स भी हैं। पहला विजन है मल्टी फंक्शनल अप्रोच। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है वो एज अ कॉर्पोरेट एजेंसी अपने आप को एस्टैब्लिश करती है और उसके बाद 42 कंपनीज पे काम करती है, 21 सेगमेंट्स में काम करती है। दूसरा विजन है मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी फॉर देयर एसोसिएट्स। मतलब कि जितने भी लोग आपके साथ एसोसिएटेड हैं, उनको जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज देना। आज जो आपके साथ हैं, हो सकता है वो 10 साल पहले आए हो, तब उनको टाइम लगा हो जुड़ने में, लेकिन आज मल्टी फंक्शनल अप्रोच से उनको न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, उनके पास वो स्किल्स भी आ रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट हो रही हैं। थर्ड विजन है इसका फोकस ऑन एंड यूजर। इस विजन से जो सबसे एंड लाइन में यूजर है, उसको हाथ पकड़कर ऊपर तक लेकर आना है, उसको अच्छे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने हैं और सबसे नीचे वाले को सबसे ज़्यादा प्यार करें। इसका मतलब है कि अगर जो सबसे एंड कंज्यूमर है, उसके पास अच्छे सर्विसेज पहुँचेंगे, अच्छे प्रोडक्ट्स पहुँचेंगे, तो सेल्स भी आएंगी। इन विजन्स और मिशन के जुड़ने से जो 21 सेगमेंट्स में बिजनेस चल रहे हैं, उनमें 12 पब्लिक लिमिटेड कंपनीज भी हैं। अब हम बात करते हैं डिविजन्स की। फर्स्ट डिविजन FMCG। ये FMCG क्या है? FMCG मतलब है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, वो गुड्स जो बहुत स्पीड से यूज में आते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो प्रोडक्ट्स हैं
वो आपको MRP पे ना मिलकर एक डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहे हैं, अप टू 10-40% डिस्काउंट मिलता है। इससे आपको रिटेल बोनस मिलता है। सेकंड है हेल्थ केयर एंड आयुर्वेदिक, यहाँ पर आपको 150 तक प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अगर हम देखें तो एटलीस्ट 33 प्रोडक्ट्स तक पीने पिलाने के हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अगर आप चाहे तो लॉन्ग टर्म डिजीज में भी ले सकते हैं, क्योंकि ये आयुर्वेदिक है तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। थर्ड है पर्सनल केयर एंड हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स, यहाँ पर आपको 50 प्रोडक्ट्स तक की रेंज मिलेगी। जितने भी पर्सनल केयर और हाउसहोल्ड के प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपको यहाँ मिल सकते हैं। फोर्थ है फार्मास्यूटिकल्स, यहाँ पर 189 प्रोडक्ट्स की रेंज है वेस्टर्न मेडिसिन की, जिसमें दो डिविजन्स हैं। पहला है MR, जो कि बड़े बड़े डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स में अपने प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। दूसरे डिविजन में आते हैं RMP, रेगुलर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, उनसे हम कॉन्टैक्ट करते हैं। फिफ्थ है एग्रो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, इसका मतलब है कि आप केमिकल फ्री फार्मिंग की तरफ बढ़ सकते हैं। इसमें आप फर्टिलाइजर्स की जगह ऑर्गेनिक मेन्योर दे सकते हैं। इसमें आपके पास 36 प्रोडक्ट्स हैं और 70% तक पॉपुलेशन आज भी फार्मिंग करती है। सिक्स्थ है वेटरिनरी, यहाँ पर आपके पास 6+ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि विटामिंस, मिनरल्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा। सेवन्थ है रियल एस्टेट, रियल एस्टेट में 34 टाउनशिप्स हैं जिनमें हम लोगों को प्लॉट्स दे सकते हैं। ये प्लॉट अगर वो सेल करते हैं तो आगे अपनी इनकम से दूसरा प्लॉट भी ले सकते हैं। 8th पॉइंट है MCCSL, इससे आप अपने MCCSL में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। आपको यहाँ से कृषि मंत्रालय एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग सीधा और फ्री राशन भी मिलता है कुछ चीजों के रूप में। ये चीजें हैं RD, MIS, FD या पेंशन, और इनकी वजह से आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। 9th पॉइंट है डिजिटल एसेट, कुछ टाइम पहले तक लोगों को सिर्फ क्रिप्टो के बारे में पता था, डिजिटल एसेट का कुछ आइडिया नहीं था। 2009 से क्रिप्टो आई और तब से आज तक अगर हम देखें तो डिजिटल एसेट इसका एक मॉडिफाइड नेम है। डिजिटल एसेट में आपके पास MTG और GNG टोकन्स हैं। 10th है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस सेक्टर में आप PNB, MedLife, रिलायंस इंश्योरेंस जैसे प्लान भी ले सकते हैं। इन सेक्टर्स के अलावा देखें तो आपके पास IT, मीडिया, प्रिंट मीडिया जैसे बहुत से और सेक्टर्स भी हैं। ये 10 सेगमेंट्स ऐसे हैं जिनमें बिजनेस आप एक ही ID से कर सकते हैं। तो ये थी मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रोफाइल। आई होप आपको समझ आया होगा कि मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज का विजन और मिशन क्या है, इनके कितने सेगमेंट्स हैं और क्या क्या डिविजन्स हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में आपको समझाऊंगी कि मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज का प्लान क्या है। तब तक के लिए सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।